एक्सपेंशन ऑफ वीक वर्ड थोड़ी अजीब लगेगी सुनने में. क्यों अजीब क्यों लगेगी? मैंने क्योंकि लिक्विड को एक्सपैंड किया, लिक्विड फैल गया, थोड़ा जो है एक्सपैंड हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया. गैस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, गैस फैल गई, वॉल्यूम बढ़ गया. इसमें क्या बड़ी बात है? एक प्रॉब्लम है, लिक्विड को गर्म कैसे करोगे? लिक्विड हाथ में पकड़ोगे और लाइटर लगा दोगे नीचे, लिक्विड हाथ से गिर जाएगा वेसल में. तो पहले गर्म कौन हुआ, लिक्विड की सॉलिड? सॉलिड. ये प्रॉब्लम है, लिक्विड सीधा गर्म हो ही नहीं सकता, सबसे पहले सॉलिड गर्म होगा, फिर जाके हीट लिक्विड को मिलेगी. तो किसी ने कहा कि ए लेवल तक लिक्विड था पहले, जब ठंडा था लिक्विड ए लेवल तक था वेसल. मैंने नीचे से हीट दी, हीट देके क्या हुआ, लिक्विड को एक्सपैंड होना था मुझे लगा, पर हुआ क्या, पहले सॉलिड एक्सपैंड हुआ. लिक्विड तो ठंडा था, सॉलिड एक्सपैंड हो गया, लिक्विड का लेवल बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गया. फिर जब सॉलिड गर्म हो गया, उसने हीट किसको पास की, लिक्विड. अब लिक्विड तो बहुत एक्सपैंड होता है सॉलिड के मुकाबले, लिक्विड एक्सपैंड हो गया, लेवल फटाफट बी से ए से उठता हुआ सीधा सी तक क्रॉस कर गया. तो रूल नंबर वन, जब लिक्विड वेसल में गर्म होगा, शुरू में लेवल बढ़ेगा नहीं, शुरू में लेवल कम होगा और फिर काफी बढ़ जाएगा. क्लियर है? अब अगर कोई ऊपर ऊपर से देखे, वो कहे कि मैंने तो ए पे लिक्विड को रखा था और फाइनली लिक्विड कहां पर आ गया, सी पे आ गया, तो ये जो एक्सपेंशन है ये इसकी एपरेंट एक्सपेंशन है, रियल नहीं है. उसको तो वो भी ठीक है, वो कह रहा है जी ए पे था सी पे आ गया, ये एपरेंट है. रियल क्या हुई, रियल में तो वो बी से उठ के सी पे आया है, तो बी से सी उसकी रियल एक्सपेंशन है. यानी कि एक्सपेंशन दो टाइप की है, एक एपरेंट और एक रियल. मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है रियल और एपरेंट, तो ये टॉपिक में यही लिखा हुआ है, तो देखने की जरूरत नहीं है, ये भी टॉपिक देखने की जरूरत नहीं, आता नहीं है. पर हाँ एक लाइन फॉर्मूला नोट कर लेते हैं कि जो गामा होता है, क्योंकि जब लिक्विड गर्म होता है तो उसको भी गामा यूज करते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन. तो जो गामा होता है वो दो किस्म का होता है, एक होता है रियल, एक होता है एपरेंट. तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, रियल का गामा इज एपरेंट का गामा और ग्लास यानी कि वेसल का गामा, इफ नीडेड इन ऑब्जेक्टिव. तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका प्रूफ आपको करने की जरूरत नहीं है, ना एनसीईआरटी के लिए ना कॉम्पिटिशन के लिए. आएगा तो सीधा यही फॉर्मूले पे यूज हो जाएगा, नहीं होगा तो वैसे चांस कम ही है इसका. क्लियर है यहां तक?